कहाँ से आप घुसिए? कहाँ से सरोगमी हिंदुस्तान, सरोगमी हिंदुस्तान के बाशिंदे और मेरे भाइयों और बहनों, आपको मेरा इंकलाबी सलाम। सुना है मैंने मेरा इंकलाबी सलाम और गणतंत्र दिवस की आप इस सामने सुना है मैंने कोई मुहिम शुरू हुई है इस सरोगमी हिंदुस्तान से, इस जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। उस मुहिम में इस जमहूरियत सरदार को हिला के रख दिया है। मैं शुक्र करता हूँ जमहूरियत सरदार का कि तेरी एनआरसी सीए की लड़ाई ने इस सोटी कौम को जगाया, इस सोटी कौम को जगाया। मेरी माँ और बहनों, आपके जज्बे को सलाम है, आपके जज्बे को, आपकी यार बादशाह को सलाम है कि रात इस ठंड में जब हम लोग अपने बिस्तर को छोड़ नहीं पा रहे थे और आपने यहाँ पर सड़ों को पत्थर होके इन आवाम के साथ एकजुट होके हिंदुस्तान की जमहूरियत सरकार को बता दिया, खिला दिया कि अब हमें खो चुके हैं, अब हमें खो चुके हैं। मुझे 1857 की वो भाई याद आ गई जो रक्षी पाई थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और हमने कैसा हुई यहाँ से जामिया मिल्लिया की इस्लामिया की जमीन से खड़े हो गए कि मुझे ये जो मूवमेंट है, जो जेएस मूवमेंट के नाम से जाना जाएगा, जैसे एक टाइम में जेपी मूवमेंट से हुआ था, ये जेएस मूवमेंट, जामिया शाही मूवमेंट, मैं यूसुफ खान यहाँ जामिया की मुझे गांधी भी दिखता है, यहाँ मुझे आजाद भी दिखता है, यहाँ भगत भी दिखता है, यहाँ बिस्मिल भी दिखता है, यहाँ लक्ष्मी बाई भी दिखती है, यहाँ मेरे बाबा साहेब का संविधान भी दिखता है, यहाँ मुझे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल दिखता है। आपने हमारे इदारों पे हमले करे, लाइब्रेरी जो एक तस्वीर की तरह होती है, जैसी तस्वीर को मोदी की तरह खिलाया जाता है, वैसी लाइब्रेरियों में जो पुस्तक रखी होती है वो एक मोदी की तरह होती है। आज आपको तस्वीर को तोड़ दिया, उन मोदियों को बिखेर दिया। यहाँ से यहाँ का आईन तो जो आपने नुकसान पहुंचाया, यहाँ के जो मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाया, आज ये मुस्तकबिल यहाँ रोडों पे खड़ा है, मेरी माँ बहने रोडों पे खड़ी है सिर्फ इस मुस्तकबिल, इस आईन को बचाने के लिए जो आपके काले कानून एनसीआर और सीए ने लागू करा सरजमी हिंदुस्तान पे। अरे हम तो हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कैसा काला कानून है जिसने इस जमहूरियत के फैसले ने जो करा है, ये कैसा एक कानून है। कल को किसी तालीमी इदारे से कोई साइंटिस्ट बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई आईएएस ऑफिसर बनता, आपने इस तालीमी इदारे पे जो हमला करके एक व्यापक एक तंत्र और एक फौज जो पैदा कर दिया है, उसका जवाब एक जमहूरी सरकार तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारे वो सच्चे वादे, तुम्हारे वो सॉरी सच्चे वादे नहीं, तुम्हारे वो झूठे वादे, तुम्हारे वो झूठे वादे हम याद रखेंगे। वो 15 लाख जो तू हमें दे नहीं पाया,
हम याद रखेंगे वो 15 तारीख 15 दिसंबर की खौफनाक शाम जो तुम हमें दे पाया। पूरे किस तरह ये सीए एनआरसी की लड़ाई तराई थी, हमें लोगों पे रोडों पे खड़ा कराया था, हमारे ऊपर लाठी चार्ज कराया था, हमें हमारे अधिकारों को रुका के धारा 144 लगा के हमें रुकवाया था, फिर हमी को जेलों में बंद कराया था, फिर हमारी माँ बहनों ने एक सोती कौम को जगाया था, फिर इन माँ बहनों ने रोडों पे लंगर लगाया था, फिर इन माँ बहनों ने मिल के हम सब के साथ इनकलाब है जिंदाबाद का नारा लगवाया था, इनकलाब है जिंदाबाद का नारा लगवाया था। आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पहली लाइन है वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जिसमें सिख भी है, ईसाई भी है। आपने सबको खत्म कर दिया, मैं बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो एकता है इसको आप कायम रखें, मेरी माँ बहनों, आपका जोश हम लोगों को जोश देता है कि हम घरों से बाहर आए और खड़े हो। बस मैं कुछ और अल्फाज कहना चाहता हूं कि मेरे अंदर गांधी का गांधीवाद भी है, मेरे अंदर अश्वाद भगत और बिस्मिल का क्रोध भी है, मेरे अंदर आजाद का कलाम, नेहरू का दिमाग, सर सैयद और जौहर की सादगी भी है, मेरे अंदर गीता भी है, मेरे अंदर बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ भी है, मेरे अंदर बाबा साहब का संविधान भी है, और मेरे अंदर मेरे नबी का कुरान और सबर भी है। मैं दुआ करता हूँ आप लोगों को, गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ करें, दुआ करें। मैं इस शेर के साथ खत्म करता हूँ कि कैस कब एक उन परिंदों को खुद को बादशाह पर बैठा, नहीं इनकी सच किया तेरी जमूरत को मिटा नहीं दे, जय।